नमस्कार, एबीपी गंगा आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन। रामपुर से बड़ी खबर, जहां अब्दुल्ला आजम से मिले हैं आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। अब्बास गाजी ने आजम परिवार से मुलाकात की है। चंद्रशेखर भी आज सीतापुर जेल में आजम से मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। परिवार के लोगों से भी मुलाकात कर सकते हैं चंद्रशेखर। ये बड़ी खबर आपको बता दें, अब्दुल्ला आजम से आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष ने मुलाकात की है। अब्बास गाजी ने आजम परिवार से मुलाकात की है। चंद्रशेखर भी आज सीतापुर जेल में आजम से मुलाकात कर सकते हैं, सूत्रों के हवाले से खबर। अब इससे पहले ये भी ध्यान रखना होगा, जयंत चौधरी भी आज आजम के परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, और ये तमाम वो दल हैं जो एक साथ आए थे। ऐसे में अब आज जो मुलाकात होगी आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की, अब्दुल्ला आजम से जो मुलाकात हुई है उसके क्या मायने हैं, और इसके साथ ही जयंत चौधरी ने जो मुलाकात की थी उसके क्या मायने हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। उबैदुर रहमान हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। उबैदुर रहमान, पहले जयंत चौधरी की मुलाकात, अब अब्दुल्ला आजम से आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने मुलाकात की है। चंद्रशेखर भी मुलाकात कर सकते हैं, एक के बाद एक मुलाकात के मायने क्या? देखिए, बगावत का बिगुल जो है आजम खान के परिवार की तरफ से समाजवादी पार्टी में बच चुका है, और अब जो विपक्ष के नेताओं और मीटिंगें हो रही हैं। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहरहाल ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, अब्दुल्ला आजम से आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने मुलाकात की है। अब्बास गाजी ने आजम परिवार से मुलाकात की है। एक बार फिर से उबैदुर रहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। उबैदुर रहमान, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, ये नए राजनीतिक समीकरण जो है उत्तर प्रदेश में होने जा रहे हैं। आप देखेंगे कि नया जो राजनीतिक समीकरण होगा वो उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, और ये साफ हो चुका है कि आजम खान का परिवार अब जो है समाजवादी पार्टी से दूरी बना चुका है, और ये जो मीटिंगें चल रही हैं ये आगे की रणनीति तय हो रही है, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। तो एक के बाद एक बड़े नेताओं का आजम खान के परिवार से मिलना, अब्दुल्ला आजम से मिलना, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े संकेत हैं कि उत्तर प्रदेश में एक नया गठबंधन खड़ा हो सकता है कई छोटे छोटे राजनीतिक दलों का, जो एक बड़ा मजबूत विपक्ष देने का दावा करेंगे आने वाले समय में। तो ये साफ हो चुका है कि जो बगावत शुरू हुई थी, एबीपी गंगा पहले दिन से बता रहा है, जब से चानू का बयान आया था, कि किस तरह से इस्तीफों को भी झड़ी लगी है, और अब जो दूसरी पार्टियों के नेता उनसे मिल रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, तो ये एक रणनीति का हिस्सा है आजम खान और उनके परिवार की, क्योंकि अब वो तय कर चुके हैं, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से अब वो दूरी बना चुके हैं, और क्या आगे राजनीति होगी, क्या किसी दल के साथ होगी, या वो अपना एक नया दल बनाने के बाद एक नया गठबंधन बनाएंगे, एक नया अलायंस बनाएंगे, ये सब उसके संकेत हैं, और उसी के तहत ये मीटिंगें चल रही हैं। उबैदुर रहमान, ऐसे में दो सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल तो ये है कि क्या किसी और दल के साथ मिलकर कोई एक गठबंधन तैयार किया जाएगा, या फिर आजम खान के साथ आकर ये सभी दल जो धीरे धीरे कर मुलाकात कर रहे हैं वो एक साथ आएंगे, क्योंकि आपने बताया समाजवादी पार्टी से दूरी हो चुकी है, या फिर जयंत चौधरी की मुलाकात को इस तौर पर भी देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की ओर से डैमेज कंट्रोल की कोशिश है? नहीं, वो अखिलेश यादव की तरफ से कोई संदेश है इसका इनकार कर दिया है जयंत चौधरी ने। जयंत चौधरी खुद मिलने आए हैं, और जिस तरह से चंद्रशेखर के पार्टी के नेताओं ने मुलाकात की है रात, ये एक बड़ा संकेत है, और आप आने वाले समय में देखेंगे कि किस तरफ ये राजनीति उत्तर प्रदेश की जाएगी, क्योंकि आजम खान का परिवार जो है वो लगातार बड़े नेताओं के साथ मीटिंगें कर रहा है, और जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि आजम खान जैसे ही जेल से बाहर आएंगे तो उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि क्या अपनी पार्टी बना करके एक नया गठबंधन, एक अलायंस, बड़ा गठबंधन उत्तर प्रदेश की राजनीति में होने जा रहा है, और इसमें हो सकता है, संभवतः कि शिवपाल यादव शामिल हों, चंद्रशेखर आजाद शामिल हों, और RLD शामिल हो, इस तरह के कई दल शामिल हो सकते हैं, और उसमें हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी भी उस गठबंधन में शामिल हो, इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। जो सूत्र हमारे बता रहे हैं वो यही जानकारी है कि ये साफ हो चुका है कि समाजवादी पार्टी से अब आजम खान के परिवार ने दूरी बना ली। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। अब देखने वाली बात होगी कि ये जो मुलाकात एक के बाद एक हो रही है, इनके मायने क्या निकल कर आते हैं। इससे पहले जयंत चौधरी ने भी आज मुलाकात की थी, अब उसकी दो तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। देखिए, पहली तस्वीर अब्बास गाजी ने मुलाकात की है, उस दौरान की यह तस्वीर है, आपको दिखा रहे हैं, अब्दुल्ला से मुलाकात की, और जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, अब्दुल्ला से ही मुलाकात करने के लिए जयंत चौधरी भी आज पहुंचे थे। अब्बास गाजी से पहले जयंत चौधरी ने मुलाकात की है, और जयंत चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा था कि आजम का परिवार
इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है, ऐसे में उनसे मुलाकात करने के लिए मैं पहुंचूंगा। लेकिन क्या मायने इसके सिर्फ यही है या फिर एक के बाद एक जब नेता मुलाकात कर रहे हैं तो कोई नई रणनीति तैयार की जा रही है, सवाल इसको लेकर भी खड़ा हो रहा है। और दिल्ली से अगली खबर, जहां जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर कार्रवाई लगातार जारी है। अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है, मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, मौके पर ड्रोन से भी निगरानी कराई जा रही है। लगातार इस बड़ी खबर पर एक एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं। जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर कार्रवाई लगातार चल रही है। अब ये देखिए कुछ तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जो पक्के बने हुए अवैध निर्माण हैं उनको ध्वस्त किया जा रहा है। इससे पहले वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जहां फुटपाथ पर छोटी छोटी दुकानें लोगों की ओर से लगा ली गई थी सरकारी जमीन पर, सबसे पहले उन्हें ध्वस्त किया गया और अब जो पक्का बना हुआ अवैध निर्माण है उसको भी हटा दिया गया है। फिर से उसी बात को दोहराऊंगा कि सिविक एजेंसी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का हमारा काम है और वो हम कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था बरकरार रहे। सुप्रीम कोर्ट के इशू पे क्या कहना है सर? देखिए हम हर काम कानूनी करते हैं और इस मसले में चूंकि सिविक एजेंसी का एफर्ट है तो सिविक एजेंसी जैसा कहेगी वैसा हम करेंगे। थैंक यू। आदेश मिला है क्या? आदेश अभी हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, वी आर इन द मिडस्ट ऑफ द प्रोसेस। Let the civic agency take a decision. So we are here to provide support and protection to civic agency. पुलिस प्रोटेक्शन की हेल्प होती है, कानून व्यवस्था बनाए रखने की मानी मांगी जाती है, वो हम कर रहे हैं। हमारा फोकस्ड और लिमिटेड रोल है वो हम अदा कर रहे हैं। थैंक यू। सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है और उसी के लिए हम सब यहाँ पर हैं, उसको हम मेंटेन करते हैं। तो पुलिस के अधिकारी को आपने यहाँ पर सुना, उनका कहना है हमारा रोल बहुत लिमिटेड है। फिर क्या कुछ कितनी दुकानों को आपने तोड़ा कुछ आपके पास? अगर अभी तो कोई भी ऐसे एक्शन नहीं लिया गया, अभी तो हमने खाली कबाड़ था, वो कबाड़ को हमने दूर किया। दुकान तोड़ी जा रही है? दुकान नहीं तोड़ दे, जो इलीगल जो आगे बढ़ा हुआ उसको हटाया। इलीगल अगर आप उसे कहें, लेकिन दुकान है वो जो बना हुआ है, किसी भी प्रॉपर्टी को हमने हाथ नहीं लगाया। नहीं, मैं आपको यही कह रहा हूँ, जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है वो हटेगी, इलीगल प्रॉपर्टी और जो लीगल प्रॉपर्टी किसी को कोई भी टच नहीं करेगा। कोर्ट की तरफ से भी कहा गया कि पहले से शायद इनको, जैसे अपनी शिकायत कर रहे हैं कि हमें इंटीमेट नहीं किया गया था, सबको इंटीमेशन कर रखा है। अंदर वहाँ बैठ कर जेसीबी के सामने रो रहे थे कि हमें कोई सूचना नहीं थी, हमारे सामान नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर आदमी को सूचित किया गया था, वो कोई भी इलीगल काम एमसीडी नहीं करेगी और एमसीडी किसी भी काम को बर्दाश्त नहीं करेगी। सर यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि धर्म देखकर, समुदाय देखकर कार्रवाई हो रही है, किसी भी धर्म के खिलाफ, क्योंकि ऐसा नहीं है, हमारे लिए सब बराबर है और हमारा धर्म से कोई मतलब नहीं। हमारा तो मतलब ये है कि इलीगल जो भी कंस्ट्रक्शन ना हो और किसी भी जगह लैंड ग्रैबिंग ना हो। यहाँ पे कुछ लोगों का सर आरोप था कि हमारे सामने दूसरे समुदाय के लोगों की दुकान है उसको नहीं छोड़ा गया, हमारी दुकानें तोड़ी जा रही। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ ऐसा हो तो मेरे आप संज्ञान में लाइए, मगर फिलहाल सबको रुक गया है। अभी ये जेसीबी जो चल रही है अभी रुकेगा और आप लोग अभी भेज रहे? नहीं नहीं, इसको सब कुछ ऑर्डर दे दिया, ये भी रुक जाएगा। और अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, पुलिस के एक अधिकारी का कहना है कि हमारा जो दायरा है वो बहुत सीमित है, पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ वहां पर काम कर रहा है और अवैध निर्माण के खिलाफ यहां पर कार्रवाई चल रही है। आपके पास कोई अपडेट? क्योंकि तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं जो पक्के मकान हैं उनको भी अब तोड़ा जा रहा है, पक्का अवैध अतिक्रमण को तोड़ा जा रहा है। जी बिल्कुल, अगर आप देखें तो ये तस्वीरें इस वक्त जो पक्का निर्माण है उसी पे चल रहा है और ये जो बना हुआ मकान है ये पूरे चौराहे पे ही बना हुआ है। आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि चौराहा है दोनों तरफ और चौराहे पर ही ये मकान बना दिया गया था, अवैध निर्माण कर दिया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जैसे निर्णय आया है, कुल 9 बुलडोजर यहां पे थे जिनमें से 8 बुलडोजर अभी पूरी तरीके से रुक गए हैं। ये नवा बुलडोजर है जो लगातार चल रहा है और ये जो अगर बात करें तो फुटपाथ पे ये पक्का निर्माण कर दिया गया था और यहीं पर अगर बात करें तो जूस कॉर्नर की दुकान है और तमाम तरीके से इस तरीके से एक छोटा रेस्टोरेंट टाइप का यहां पर निर्माण कर दिया गया था। अब इसको गिराने का काम अगर बात करें तो नगर निगम कर रहा है। हालांकि जो मेयर है उन्होंने साफ तौर पर एवीपी गंगा पे कहा जो
शांति बरकरार रखने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। कल जब सुप्रीम कोर्ट विस्तृत सुनवाई करेगी तब तक के लिए उसने तमाम तरह कार्रवाईयों पर रोक लगाई हुई है, तो उसमें उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन होगा। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर देखिए तस्वीरें कि अभी भी जो चौराहे पर एकदम बना हुआ है, अगर फुटपाथ पे कहे तो जो ये मकान बना हुआ है उसको अब गिराया जा रहा है, उसको अब तोड़ा जा रहा है। हालांकि 9 बुलडोजर कुलाए थे, 9 में से 8 ने कार्यवाही रोक दी है, लेकिन ये 9वां बुलडोजर अभी भी चल रहा है। शायद या तो अभी तक अधिकारियों को निर्देश न मिला हो इसको, या फिर अधिकारी अभी तक इस पे सूचना। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में कल क्या फैसला लिया जाएगा उसके बाद कार्रवाई होगी। बहरहाल बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक लगा दी गई है, लेकिन अभी तक की जो कार्रवाई हुई है अविनाश, उसे कैसे कंसीडर किया जाएगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के पहले जो तमाम सारी कार्यवाहियां हुई है तो वो कार्यवाही कानून सम्मत होगी। कल सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब भी केंद्र सरकार इस पर दाखिल करेगी कि किस तरीके से जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई दिशा निर्देश नहीं था, जो लोग इलीगल इंक्रोचमेंट किए थे उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही थी, और यही कारण है कि जो सरकार की संपत्ति है उसको अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए ये बुलडोजर चलाया जा रहा था, ऐसा स्टेटमेंट सरकार अपनी ओर से देगी। सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकारों को भी सुनेगी, याचिकाकर्ता को भी सुनेगी और केंद्र सरकार को भी सुनेगी, उसकी बाद भी अपने तरफ से विस्तृत निर्देश देगी। चूंकि अगर आप देखें तो बुलडोजर चलने का सिलसिला उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी चर्चा थी विधानसभा चुनाव के दौरान, कई लोग उनको बुलडोजर बाबा तक कहने लग गए हैं। लेकिन अब जिस तरीके से ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है तो अब इस पे एक बड़ा दिशा निर्देश जब आएगा तो उसके बाद हो सकता है कि राज्य सरकारों को बुलडोजर चलाने से पहले कोर्ट की परमिशन लेनी पड़े, इस तरीके से कुछ अपनी ओर से जजमेंट दे सकता है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ऐसी मांग की गई है याचिका में जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से कि जब भी इस तरीके के बुलडोजर चले तो उसमें कोर्ट का परमिशन होना जरूरी है। और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज कार्रवाइयों पर रोक लगा दी है कि अब कोई बुलडोजर नहीं चलेगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट अपनी ओर से दिशा निर्देश नहीं देता है। कल सुप्रीम कोर्ट इस मामले में विस्तृत सुनवाई करेगा और उसके बाद फिर एक बाकायदा गाइडलाइन जारी कर सकता है कि किन परिस्थितियों में बुलडोजर चलाया जा सकता है और किस तरीके से तमाम सारे जो राज्य सरकारें हैं वो कब बुलडोजर का इस्तेमाल कर सकती है। तो ये अपनी ओर से सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश करेगा। देखिए, ये बुलडोजर भी अब साइड में जा रहा है, चूंकि जिस तरीके से ये निर्माण गिर रहा था और के बाद तमाम सारे लोग यही प्रश्न कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि यथास्थिति को बरकरार रखा जाए, तो ऐसे में इस निर्माण को क्यों गिराया जा रहा है, तो शायद अब यहां पे अगर बात करें तो इस निर्माण को गिराने से रोक दिया गया है और ये बुलडोजर जिस तरीके से जो अभी तक इमारतें गिर गई है या जो अतिक्रमण हटाया गया है उसको वहीं पर छोड़ दिया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि अब आगे कोई कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। कल जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो उसमें भी तमाम सारी सरकारों को जवाब देना होगा और यही कारण है कि शायद अब यहां पे कार्यवाही को रोक दिया गया। एक तस्वीर आपको और दिखाएंगे अगर बात करें तो देखिए, अतिक्रमण से पहले इस रोड पे पूरी तरीके से इस पूरी रोड पे जो है आधा अतिक्रमण हुआ करता था, यानी 50% इंक्रोचमेंट था, और अब ये रोड कितनी सफी हो गई है अतिक्रमण हटने के बाद। ये तस्वीरें देखिए, इसकी एक बानगी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश आने से पहले इस रोड को सफा कर लिया गया था, तो अब ये रोड कितनी चौड़ी दिखने लग गई, कितनी सफी हो गई, इसकी भी एक बानगी देखिए। इसके पहले इस रोड में 50% पे इंक्रोचमेंट था, यानी कि 50% में इंक्रोचमेंट था, 50% में ही आम लोगों को आने जाने के लिए ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल अविनाश, नजर आप बनाकर रखिए, एक एक तस्वीर हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। जो 8 बुलडोजरों से 9 बुलडोजरों से कार्रवाई चल रही थी जिसमें कि 8 की कार्रवाई को रोक दिया गया है, 9 के पास भी जो 9वां बुलडोजर है वो अभी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन जानकारी मिलने के बाद वो भी बुलडोजर कार्रवाई को रोक देगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी गई है। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने आज शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया। काफी संख्या में अभ्यर्थी बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पर पहुंचे। उनकी मांग है कि चयन के बाद भी 6800 अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हुई है, उन्हें नियुक्त किया जाए। प्रदर्शन के बाद पुलिस ने अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया है। आरक्षण में गड़बड़ी के कारण 6800 अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हुई, चयन सूची के बाद भी भर्ती नहीं हो पाई, जिसकी वजह से नाराजगी अभ्यर्थियों के सामने आई है। और 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने आज शिक्षा मंत्री के आवास पर घेराव कर दिया है। काफी संख्या में अभ्यर्थी बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पर पहुंचे हैं। मांग उनकी यह है कि चयन के बाद 6800 अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हुई, जल्द से जल्द उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। 1000 पदों की शिक्षक भर्ती में आरक्षण की गड़बड़ी की वजह से करीब 6800 लोगों को अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल पाई थी, जिसको लेकर लंबे समय से इनका धरना प्रदर्शन जारी है। और आज एक बार फिर से ये लोग, अगर बात करें तो बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पर पहुंचे हैं। इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर अगर बात करें तो योगी सरकार के पहले कार्यकाल में
एक आदेश भी हुआ जिसके बाद चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई, लेकिन उसके बाद आचार संहिता लग गई। ये भर्ती जो प्रक्रिया थी इन 6800 लोगों के बीच में रुक गई और अब तक इन्हें नियुक्ति नहीं मिली। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में ये अभ्यर्थी जो है इस समय बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास के बाहर पहुंचे और यहां से अब पुलिस इनको हिरासत में लेकर हटा रही है। अगर बात करें तो बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के कार्यकाल में पहली बार इन अभ्यर्थियों का ये धरना प्रदर्शन है। बात करेंगे इन अभ्यर्थियों से, जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं, क्या इनकी मांगे हैं। क्या नाम है? हेमंत कुमार मौर्य है। हम प्रयागराज से आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि हमारी नियुक्ति जो 6800 की उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री ने लिस्ट दी है वो तत्काल हमें उसमें नियुक्ति पत्र दे। और अभ्यर्थी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आप? जी अमरेंद्र सिंह पटेल है। मुलाकात हो पाई आज मंत्री? नहीं नहीं, डेलीगेशन प्रशासन मिलवाने के लिए 7 लोगों का 2 विकलांग साथी रहेंगे और 2 महिलाएं रहेंगी और 2 लोग हम लोग रहेंगे। हम लोग अपनी बात माननीय मंत्री जी से ये रखेंगे कि हम लोगों को जल्द से जल्द डबल एजी हमारे केस में अपॉइंट करके, चूंकि हमारी नियुक्ति हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ हमको ज्वाइनिंग लेटर देना इनको बाकी। लोगों के मामले में तो एक आदेश हुआ, एक चयनित सूची भी आ गई थी, फिर ये काउंसलिंग क्यों रुक गई, क्या मामला हुआ? इसमें अधिकारियों के हीला हवाली है। अधिकारी ये नहीं चाहते कि हम लोग जल्द से जल्द नियुक्ति मिले, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को बुलाकर ये कहा था कि इनका 2 दिन में मामला निस्तारित कर दिया जाए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। चयन सूची कब आई थी आप लोग? 5 जनवरी को चयन सूची आई, उसके बाद शेड्यूल आना था लेकिन शेड्यूल नहीं आ पाया। अब जो भी कारण रहा, इसी तरह का कोई कोर्ट केस इसमें बचा हुआ? हाँ, अभी वो जो पुराना कोर्ट केस चल रहा था, लेकिन जब घोटाला साबित हो गया तो कोर्ट केस वैसे ही खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन सरकार उसमें अपना पक्ष नहीं रख रही है। इस वजह से हम लोग आए हैं कि मंत्री जी अपना पक्ष आप रखें और जल्द से जल्द वो मामला निस्तारण हो, हम लोग ज्वाइनिंग करें, क्योंकि नया सत्र शुरू होने वाला है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग बेसिक में पहुंचे। कितने लोग हैं इससे प्रभावित? 6800 लोग हैं इसमें। 6800 लोगों की एक लिस्ट भी जारी हो गई है। सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि हमको न्याय मिल गया है, अब नियुक्ति बाकी है। तो आपने यहाँ पर इन अभ्यर्थियों की बात सुनी, यहाँ पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे हैं, फिलहाल इन लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है। अभ्यर्थियों ने बताया कि किस तरह से लगभग 4 साल हो चुके हैं, 3 से 4 साल का वक्त हो चुका है, इनका कहना है इनकी भर्ती प्रक्रिया रुकी है, और अब जबकि जनवरी में इनको लेकर एक आदेश भी आया था, क्योंकि इन लोगों ने ये शिकायत जो थी वो केंद्र तक की थी, जिसमें ये बताया गया था कि किस तरह से इन लोग की जो भर्ती है उसमें आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया, जिसके बाद पिछड़ा वर्ग आयोग जो है वहाँ से भी तमाम इसे लेकर निर्देश जारी, और आखिरकार जनवरी में 2022 में इसे लेकर चयन सूची जारी की गई, काउंसलिंग के लिए बोल दिया गया। जो उस समय शिक्षा मंत्री हुआ करते थे उन्होंने भी निर्देश दिए, लेकिन वो भर्ती जो रुकी तो आज तक पूरी नहीं हो सकी, और अब अभ्यर्थियों का यही कहना है कि जल्द से जल्द इन लोग को नियुक्ति दी जाए। कुल मिलाकर 6800 लोग इसमें प्रभावित हो रहे हैं। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र के साथ चैलेंज अरोरा, एबीसी गंगा, लखनऊ। और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, आजम खान के परिवार से मिलने के बाद जयंत चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। यूपी की जनता को नया राजनीतिक विकल्प देना पड़ेगा, जयंत चौधरी ने कहा है। यूपी की जनता नया विकल्प चाहती है, अब्दुल्ला आजम का नेतृत्व चमक रहा है, सपा में फूट पर जयंत ने ये कहा है। सपा का निजी मामला है, मैं आजम परिवार के दुख में उनके साथ हूँ। उबैदुर रहमान हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। उबैदुर रहमान, जयंत चौधरी ने ये साफ कर दिया है कि समाजवादी पार्टी से नाराजगी जिस तरीके से सामने आ रही थी आजम परिवार की, उसमें अब जयंत चौधरी भी साथ है और राजनीतिक विकल्प की भी बात उन्होंने कही है। जी हाँ, जयंत चौधरी ने काफी लंबी मुलाकात की है आजम खान के परिवार से, अब्दुल्ला आजम से, और तमाम तरह की जो तकलीफें उनके साथ हो रही हैं, जिस तरह से 2.5 साल से आजम खान जेल में हैं, तो जयंत चौधरी का कहना था कि वो मुश्किल दौर से गुजर रहा है परिवार, इसलिए मैं उनसे मिलने आया हूं, और जो बातचीत हुई है एक शिष्टाचार मुलाकात थी। लेकिन जब हमने उनसे पूछा कि जिस तरह से आप मुलाकात करने आए हैं और जिस तरह से नाराजगी देखने को मिल रही है कि 2.5 साल से एक पार्टी ने आजम खान के लिए कोई आंदोलन नहीं किया, उनका कहना था कि ये उनका आपसी नाराजगी है, और मैंने उनसे पूछा कि क्या जाट मुस्लिम और दलित समीकरण हो सकते हैं आने वाले समय में, उत्तर प्रदेश की जनता को क्या नया प्रयोग देखने को मिल सकता है, नए समीकरण हो सकते हैं, कोई नया ऑप्शन मिल सकता है जनता को। उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल मिल सकता है और देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वो इशारा कर गए हैं कि आने वाले समय में नए राजनीतिक समीकरण क्या होंगे, लेकिन जब उबैदुर रहमान वो इशारा राजनीतिक दल को लेकर करके गए हैं या फिर अपना साथ आजम खान को मिलेगा इसको लेकर भी करके गए हैं, और अगर ऐसा होता है तो क्या समाजवादी पार्टी की ओर से कोई इस पर रिएक्शन सामने आने की उम्मीद है, क्योंकि जयंत चौधरी अगर आजम खान के साथ हो जाएंगे, आजम परिवार के साथ हो जाएंगे, तो समाजवादी पार्टी से टूट जाएंगे। ऐसे में समाजवादी पार्टी कोई भी गलती नहीं करना चाहेगी, क्योंकि पहले से ही फूट की स्थिति बनी हुई है पार्टी में।
देखिए जयंत चौधरी भी एक राजनीतिक दल के नेता हैं, वो अपनी बात करने आए थे। उन्होंने कहा मैं अपनी बात करने आया हूँ। मैंने कहा कि अखिलेश यादव जी ने कोई बात की, कोई संदेश? उन्होंने कहा कि नहीं, उनसे मेरा कोई उस तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है। मैंने कहा आपके दोस्त भी हैं, लेकिन जो हालात चल रहे हैं आजम खान के परिवार के साथ और ऐसे में समाजवादी पार्टी की खामोशी, तो जयंत चौधरी का कहना था कि मैं उनके मुश्किल वक्त में उनके साथ सहानुभूति दिखाने के लिए आया हूँ, उनसे बातचीत की है। और उन्होंने ये भी कहा कि अब्दुल्ला आजम का जो राजनीतिक कैरियर है वो चमक रहा है, वो नेतृत्व जो है उनका वो उभर के आया है। तो कहीं ना कहीं ये इशारा है इस बात का कि जयंत चौधरी हाथ बढ़ा रहे हैं दोस्ती का, और राजनीति में क्योंकि आजम खान उनके दादा के साथ से राजनीति कर रहे हैं, चौधरी चरण सिंह के दौर के वो राजनीति किए हैं, उनके पिता के साथ में राजनीति की, और दूसरी पीढ़ी जो है वो अब्दुल्ला आजम और जयंत चौधरी के बीच में अगर इस तरह की मुलाकात होती है तो इसके कई बड़े राजनीतिक मायने आप मायने तो बहुत है। लेकिन अगर मोटे मोटे तौर पर उबैदुर रहमान देखें तो दो बड़े मतलब इसके समझ में आते हैं। मैं आजम परिवार के साथ हूँ, एक ये मतलब है। दूसरा मतलब है मैं समाजवादी पार्टी से अलग आजम परिवार के साथ हूँ। क्या इसका मतलब निकाले? इसका मतलब यही है कि वो बुरे वक्त में आजम खान के परिवार के साथ खड़े हैं, और आने वाले टाइम में आजम खान का परिवार अगर कोई राजनीतिक फैसला लेता है तो जयंत चौधरी जाहिर सी बात है उनके लिए एक हमदर्द के रूप में उभर के आए हैं, सामने आए हैं, और ऐसे मुश्किल दौर में आए हैं जब आजम खान 2.5 साल से जेल में है। तो और इसी तरह से जैसे अभी जो चंद्रशेखर की पार्टी के नेताओं ने भी मुलाकात की है अब्दुल्ला आजम से, तो ये कहीं ना कहीं इस बात का इशारा है कि विपक्ष के नेता भी ये समझ रहे हैं कि आजम खान का परिवार मुश्किल में है और ऐसे मुश्किल समय में उनका साथ देना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उबैदुर रहमान आपका जानकारी के लिए।